टेक्नो इंडिया ग्रुप नाम तो आप जानते ही होंगे ये क्या है, ठीक है। तो टेक्नो इंडिया ग्रुप के अंडर में काफी सारे कॉलेजेस मौजूद है। सिंपल उन्हें आपको डिफाइन करो टेक्नो इंडिया ग्रुप क्या है, तो टेक्नो इंडिया ग्रुप एक बहुत बड़ा स्कैमर है, ठीक है। मतलब ये बच्चों की लाइफ के साथ खिलवाड़ काफी करता है, ये मैं पब्लिकली बता रहा हूँ, ठीक है। देखो पब्लिकली बताना कुछ कुछ कभी कभी इंपॉर्टेंट हो जाता है, अदरवाइज लास्ट ईयर जिस बच्चे के साथ प्रॉब्लम हुआ था, इस साल भी आपके साथ प्रॉब्लम होने वाला है। वीडियो मौजूद है लास्ट ईयर का, आप सिंपली यूट्यूब पर सर्च करना है टेक्नो इंडिया ग्रुप स्कैम, या सिंपली सर्च कीजिए टेक्नो मेन स्कैम और लास्ट में आप एडुलब्बे अटैच कीजिए, आपको वीडियोस मिल जाएंगे कि लास्ट ईयर हुआ क्या था एग्जैक्टली, ठीक है। और ये इस साल भी वो करेंगे ही करेंगे जो कॉलेज है टेक्नो इंडिया ग्रुप पर, ठीक है। खास करके जो टेक्नो इंडिया मेन है वो तो महा स्कैमर है, ठीक है। और भी कॉलेजेस है, लाइक नेताजी है, सुभाष है, आपका बाटनगर है, इंटरनेशनल है, लेकिन सबसे बड़ा स्कैमर आपका टेक्नो इंडिया मेन है जो सॉल्ट लेक वाला है, ठीक है। पता नहीं इस वीडियो को देखने के बाद क्या होने वाला है, लेकिन जो ट्रूथ है मैं बताने वाला हूँ, ठीक है। इनफैक्ट मैं कभी की सोचता हूँ कि लाइक एओटी मिला ठीक ही रहा, ठीक है, टेक्नो इंडिया मेन में मैं नहीं गया। टेक्नो इंडिया मेन लेने का मन था, लाइक एटलीस्ट सीएससी मिल जाए, आईटी मिल जाए, लेकिन कुछ कारणवश मुझे एओटी में ही एडमिशन लेना पड़ा, ठीक है। तो अब लगता है कि हाँ जी एओटी ही ठीक है, एओटी में लेके एडमिशन मैंने ठीक ही किया, एटलीस्ट वो बच्चे के लाइफ के साथ खिलवाड़ नहीं करता है। ऑब्वियसली प्लेसमेंट आपका टेक्नो इंडिया मेन का बेहतर है, ठीक है। लेकिन अगर कोई नया बच्चा है बाहर से आ रहा है, अदर स्टेट से आ रहा है, ठीक है, मतलब जो वेस्ट बंगाल के बच्चे हैं उनको सब कुछ पता है कैसे क्या चीज़ होता है, ठीक है, लेकिन जो अदर स्टेट के बच्चे हैं उनके साथ ये दिक्कत काफ़ी होता है, ठीक है। मतलब बात यहाँ पर एक दो बच्चे का नहीं है या 10 बच्चे का नहीं है, कोई भी बच्चे के साथ आप अगर ऐसा काम करोगे ना तो उसका एक 4 साल का जो लाइफ है वो बर्बाद हो जाएगा ना, ऐसा काम करना ही नहीं चाहिए। तो ये क्या क्या स्कैम करते हैं सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूँ, डिफरेंट तरह के स्कैम करते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि इस साल जो बच्चे डब्ल्यूबीजी के एग्जाम दिए हैं, जेम्स के एग्जाम दिए हैं, एंड अब सोच रहे हो कि हाँ जी मैं टेक्नो इंडिया ग्रुप के अंडर में जो कॉलेज है वहां पर मैं एडमिशन लेना चाहता हूँ, तो प्लीज ये वीडियो शेयर कीजिए एंड पूरा देखिए। आप अगर बाकी सब बच्चों को शेयर करोगे तो उनका भी बेनिफिट ही होगा, अदरवाइज लास्ट ईयर जो बच्चे गलती किए थे उसके तरह ही सेम गलती बाकी बच्चे करेंगे, तो ये वार्निंग है, ठीक है। आप गलती करोगे तो 1% भी वो मतलब हेस्टेट नहीं करेंगे टेक्नो इंडिया ग्रुप वाले कि हाँ जी इसका लूट लो, ठीक है, जो भी कुछ चीज़ है। पहला स्कैम ये है कि आपको जो फिजिकल रिपोर्टिंग है, ठीक है, उसमें बाधा डालते हैं। वो ये बोलते हैं कि आपको यहाँ पर ही एडमिशन लेना पड़ेगा, आप सीट को अपग्रेड नहीं कर सकते हो। बच्चा जाता है राउंड 1 में जो सीट मिला रहता है अपग्रेड करवाने के लिए, कि हो सकता है मुझे हेरिटेज मिल जाए, मुझे आईए मिल जाए, या मुझे कोई सरकारी कॉलेज मिल जाए। एंड वो ये बोलते हैं कि आपका जी सीट अपग्रेड हम नहीं कर सकते हैं, ठीक है, आपको यहाँ पर ही एडमिशन लेना पड़ेगा, अदरवाइज आप 90,000 पे कीजिए, आपका सीट मैं अपग्रेड कर दूंगा, ठीक है। ये सारे बच्चे ऐसे नहीं करते, मतलब जिनको टोपी पहनाने वाला बच्चा मिल जाता है, मतलब थोड़ा भोदू टाइप का रहता है बच्चा, ठीक है, कि हाँ जी यार इसको देखते ही मतलब तो इसको लूट लूंगा मैं, ठीक है, मतलब शक्ल पर लिखा रहता है कि हाँ ये बच्चा काफ़ी भोला भाला है, ठीक है, इसको मैं आराम से पटा लूंगा, ठीक है, तो उसके साथ ये काम करते हैं। या जो बच्चे काफ़ी सवाल पूछे कुछ पता ही नहीं है, ठीक है, उनके साथ ये काम करते हैं। कोई बच्चा लाइक काफ़ी कॉन्फिडेंसली जा रहा है, सब कुछ पता है, तो नहीं करते, तो विथ रिस्पेक्ट टू स्टूडेंट भी ये काम करते हैं। सारे के साथ काम नहीं करते तो भाई वो तो उनको जेल हो जाए तुरंत, ठीक है। तो कुछ कुछ बच्चे के साथ करते हैं जो लगता है कि हाँ जी ये तो इसको टोपी हम लोग पहना देंगे, तो ये काम करते हैं। पहला काम जो स्कैम है कि आपका जो फिजिकल रिपोर्टिंग है उसमें बाधा डालेंगे ही डालेंगे, जो कि डब्ल्यूबीजी रूल के अगेंस्ट है। सेकेंड सबसे बड़ा स्कैम लोग ये करते हैं कि सपोज एक कोई ब्रांच है, ठीक है, उसमें 120 सीट्स है, ओके, वो क्या करते हैं, रूल क्या है, रूल यही कि 10% आपका मैनेजमेंट कोटा और बाकी जो सीट है काउंसलिंग के थ्रू। अब वो जो मैनेजमेंट कोटल और सीट है वो काफ़ी बढ़ा दी है, 30% 40% कर दिए है। अब कुछ कुछ यूट्यूबर बोलेंगे कि 40% कैसे हो सकता है, ठीक है, मैं यूट्यूब का नाम नहीं ले रहा हूँ, ठीक है, तो उनको बेसिकली मैनेजमेंट कोटा के थ्रू एडमिशन करवाना रहता है काफ़ी सारे कॉलेजेस में, ठीक है, तो वो लोग ये बोलना चाहते हैं कि नहीं 40% नहीं होता है, 10% ही होता है। अरे लास्ट ईयर ही देखो ना, 120 में से शायद 30 से 40 ही बच्चा होगा जो काउंसलिंग के थ्रू ही गया, बाकी जो ही बच्चा गया सब मैनेजमेंट कोटा के थ्रू गया है, ठीक है। तब अब यहाँ पर होता क्या कि सपोज संख्या ज़्यादा हो गया, 120 कैपेसिटी है, 140 बच्चा आ चुका, ठीक है, अब ये जो 20 बच्चा जो एक्स्ट्रा आ चुका है उनको ये बोला जाता है कि देखिए यहाँ पर तो सीट नहीं है, अब आप एक काम कीजिए हम लोग के ही अंडर में जो कॉलेजेस है वहाँ पर चले जाइए, टेक्नो इंटरनेशनल चले जाइए, बाटन में चले जाइए, ठीक है। और वो आपको ये बोलते हैं कि हम लोग का जो है वो जॉइंट कैंपसिंग होता है, जॉइंट कैंपसिंग मतलब कि जो कॉलेज टेक्नो मेन में आएगा, जो कंपनी सॉरी टेक्नो मेन में आएगा वो कंपनी आपका बाटन में भी जाएगा, आपका इंटरनेशनल में जाएगा, ठीक है, जो भी टेक्नो इंडिया ग्रुप के अंडर में कॉलेजेस है। लेकिन ऐसा नहीं होता, आपको लगता है क्या
कि कब कोई सपोज कोई कॉलेज का कट ऑफ सीएससी का 4,000 है एंड सपोज कोई कॉलेज का कट ऑफ है 30,000 है, सबको एक ही अपॉर्चुनिटी मिलेगा, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है ना, कंपनी भी तो लिमिटेड ही है ना, तो सब बच्चे को कैसे अलाउ कर सकती है? मतलब काउंसलिंग के थ्रू सपोज बच्चा आ गया ज्यादा एंड यहाँ पर साइड बाय साइड मैनेजमेंट कोटा के थ्रू भी मतलब भर्ती हो रहा है, चालू है एकदम फुल फ्लेज में, ठीक है, एंड जैसे ही देखते हैं बच्चा ज्यादा होगा तो क्या करते हैं, 20 बच्चे को आप वहाँ पर चले जाइए, हम लोग कहीं कॉलेज है बिलीव कीजिए मतलब वहाँ पर प्लेसमेंट अच्छा होता है, ठीक है, आपको शिफ्ट कर दे रहे। अरे जब बच्चा उसका रैंक जब अच्छा था 6,000 था 7,000 था, आपके कॉलेज में उसको काउंसलिंग थ्रू एडमिशन मिला, तो आप दूसरे कॉलेज में क्यों ट्रांसफर कर रहे हो जिसका कट ऑफ 30,000 होता है? प्रश्न ये है। मैनेजमेंट कोटा करवा रहे हो सही है, करवाओ आपका मर्जी है, वो तो आपका रीजन है, लेकिन बच्चे का जो शिफ्टिंग है वो नहीं करना चाहिए, तो शिफ्टिंग वाला भी काम करते हैं। और सपोज अगर ये नहीं भी हो रहा है तो डिफरेंट तरह का इशू बना करके बच्चे को मतलब अलाउ नहीं करते आगे बढ़ने के लिए, लाइक मकआउट का आपने रजिस्टर नहीं किया है, आपने क्लासेस काफ़ी कम किया है, आप क्लास क्यों नहीं आते थे तो जी आपका सीट कैंसिल हो चुका है, ये डिफरेंट तरह का इशू करवा करते हैं। लास्ट ईयर का वीडियो देखो सबको समझ में आ जाएगा, इस साल ऐसा तो हुआ है नहीं केस, ठीक है, तो लास्ट ईयर में केस ऐसा 40 बच्चा था जिनके साथ ऐसा हुआ था, 40 से ज़्यादा, सिंपली लास्ट का वीडियो देखो आपको सबको समझ में आ जाएगा। और ये आजकल ट्रेंड बन चुका है कि डिफरेंट तरह का फंक्शन फेस्ट करवा करके सेलिब्रिटी को बुला करके इनका जो हिडन ट्रूथ है वो अंदर का अंदर ही रहे, जो डार्क ट्रूथ है वो अंदर का अंदर ही रहे, तो ऐसा ही काम करते हैं, ठीक है। और एक और स्कैम मैं बताना भूल गया, लास्ट ईयर क्या किए थे, मतलब एक सीए एग्ज़ाम होता है मकआउट का, ठीक है, ये कॉलेज मकआउट के अंडर में आता है, तो सीए एग्ज़ाम होता है, तो सीए मार्क्स सेंड ही नहीं किया था मकआउट को, ये मतलब बोला था कि टीचर कुछ गलती हो गया था तो सीए मार्क्स नहीं हो पाया, तो सो सकते हो मतलब पूरा लाइफ के साथ खिलवाड़ हो रहा है। तो पॉइंट यही है, प्लेसमेंट बढ़िया, आप एडमिशन लो, कोई परेशानी बात है नहीं, काफी से बच्चे एडमिशन लेते हैं, बात यह है कि आप एडमिशन के दौरान मतलब पहला जो 3 से 4 महीना है हर एक कदम काफी सोच समझ के रखिएगा, मतलब अनजान मत रहेगा चीजों से, नहीं तो अदरवाइज आपको ये बोला जाए कि आपका 10 दिन एबसेंट था तो आपका सीट कैंसिल हो चुका, दूसरे बच्चों को हम लोग सीट दे दिए, एक्चुअली वो बच्चा मैनेजमेंट कोटा वाला ही था, ठीक है, तो आप क्या कीजिए, आप हम लोग का इस कॉलेज में चले जाइए जो टेक्नो इंडिया ग्रुप के अंडर में है, तो प्लीज़ ये सब चीज़ें बचिए। फिर भी कुछ आपको अगर इशू होता है, थोड़ा सा भी इशू होता है, बेहिचक आप उसको व्हाट्सएप से कैंड कर सकते हैं।